अलग अलग दे दिए, किसी बुक लिखने वाले ने कुछ ही नाम दियो, किसी ने कुछ ही नाम दियो। तब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी मान रहे थे कि यहाँ की भाषा मरु भाषा है, अबुल फजल 16वीं शताब्दी में कह रहा था कि यहाँ की भाषा मारवाड़ी है, 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपनी पुस्तक लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बता रहा था कि यहाँ की भाषा राजस्थानी है। बस भारत सरकार के संविधान की 8वीं अनुसूची नहीं मानती कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा है, बल्कि तमाम लोग इसको स्वीकार करते हैं कि राजस्थानी नाम की भाषा तो होती है। इस बात पर मुझे और बड़ा आश्चर्य होता है कि नेपाल के संविधान के अंदर राजस्थानी को मान्यता मिली भी है। मैं नाम भूल जाता हूं उनका, बाकी हनुमानगढ़ में कस्बा पड़ता है नोहर, वहां के रहने वाले एक कोई सेठ जी है जो नेपाल में इस बार एमपी का चुनाव जीते थे, और उन्होंने नेपाल की संसद के अंदर खड़े होकर जब शपथ ग्रहण की तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृभाषा राजस्थानी में शपथ ग्रहण लेना पसंद करूंगा, और नेपाल के स्पीकर ने कहा कि यस आप राजस्थानी के अंदर ले सकते हैं क्योंकि राजस्थानी को नेपाल की संसद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। और घोर विडंबना की बात देखिए कि राजस्थान के 25 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद खड़े होकर भारत की संसद के अंदर राजस्थानी के अंदर शपथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो हैरानी और शर्मिंदगी आश्चर्य और घोर अचंबा इस बात पर होता है कि 200 MLA खड़े होकर भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजस्थानी में शपथ नहीं ले पाते हैं। वे लोग जो राजस्थान के लोगों द्वारा, उन लोगों द्वारा जो राजस्थानी बोलते हैं, उनके वोटों द्वारा चुनकर आते हैं, अपनी भाषा में खड़े होकर वहां पर शपथ नहीं ले सकते। बड़ा अजीब सा विरोधाभास नजर आता है कई बार कि यार किस प्रकार से एक अच्छी खासी भाषा को, जिसका इतना लंबा साहित्य है, इतना लंबा इतिहास है, किस प्रकार मुर्दा कर दिया गया, मार दिया गया भाषा को। मुझे कई बार लगता है क्या ही किया जा सकता है। पिछले 10 साल से तो मैं जब से समझ पकड़ा हूँ हमेशा इस बात के रट लगाते हुए देखते हैं, लोगों से मैं सुनता हूँ कि इस बार मान्यता मिल जाएगी, इस बार फलान जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इस बार फलान जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पर सफलताएं दूर की कूड़ी नजर आती है। इस बार जरूर मैंने अभी देखा कि होली पर जो राजस्थान पत्रिका का अंक था वो राजस्थानी भाषा के अंदर उन्होंने खूब सारी चीजें लिखी, तब मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि राजस्थान पत्रिका उन समाचार पत्रों में एक रहा है जो राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने वालों में अड़चने पैदा करता रहा है हमेशा। उस पत्रिका का नाम राजस्थान पत्रिका रहा, परंतु उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध ही किया कि राजस्थानी को मान्यता मिल जानी चाहिए। और अक्सर पता नहीं लोग कहाँ से ये निकाल के लाते हैं कि राजस्थानी को जब मान्यता मिल जाएगी तो इसे हिंदी को नुकसान पहुंचेगा। मुझे लगता है यार जब आपने मैथिली को उनको जब मान्यता दे रखी है, उससे यदि इसको असर नहीं पड़ा है, हिंदी को कोई असर नहीं पड़ा, जबकि वो तो पूरी तरीके से हिंदी की एक बोली है मैथिली, उसके बावजूद असर नहीं पड़ रहा है, तो राजस्थानी तो अलग है, हिंदी से राजस्थानी का कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से अलग भाषा है, कैसे असर पड़ जाएगा इसका। और तो क्या ही किया जा सकता है। मुझे कई बार लगता है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि अभी जनगणना वाले मार्ट साहब आपके घर पर आएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि आपकी भाषा कौन सी है, तो प्लीज उनको भाषा अपनी हिंदी ना बताई जाए, अपनी भाषा राजस्थानी बताई जाए। एक बड़े स्तर पर जब कॉलम के अंदर राजस्थानी लिखी जाएगी तो शायद भारत सरकार के कानों तक जूर रहेंगे कि इतने बड़े लोगों की भाषा को इस प्रकार से मारा नहीं जा सकता है। बिना नी वैन धड़री कोई पहचान, माइड भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान, कि बिना चेहरे के धड़ की पहचान नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार बिना राजस्थानी के राजस्थान का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा है संजीवनी जे को ये हड़मान, ल्याओ उठ बैठो वन लिछवण राजस्थान, कि भाषा वो संजीवनी है जिसे यदि कोई हनुमान लेकर आएगा तो लक्ष्मण रूपी राजस्थान जो मूर्छित होकर गिरा हुआ है वापस खड़ा हो जाएगा। मुझे फिर सेठिया जी याद आते हैं जब वो 92-93 में एक बार एक पत्रकार को जवाब देते हुए कहते हैं, जब वो पत्रकार पूछता है कि कौन सी राजस्थानी को मान्यता दी जाए, राजस्थान में तो आपके मेवाड़ी, वागड़ी, मारवाड़ी, कोई शेखावाटी, उदयपुर, आपके देवड़ावाटी, अहिरवाटी, खूब अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तब सेठिया जी बहुत ही संतुलित स्वर के अंदर उसे जवाब देते हैं कि मीरा कहेगी बिने मानो भाषा राजस्थानी। अरे हमारी मीराबाई इतना बड़ा साहित्य रच के चली गई, जिसे तुम झूठ के नाम पर इतने सालों से हिंदी के अंदर पढ़ाते आते हो, जिस पृथ्वीराज रासो को तुम हिंदी का प्रथम इपिक बताते हो, वो पृथ्वीराज रासो हमारी राजस्थानी है। जिस मीराबाई को तुम वहां पर पढ़ा रहे हो वो हमारे राजस्थानी है, और गुजरात वाले जिस वीरमदेव सोनग्रारी वाद को गुजराती के अंदर पढ़ाते हैं वो भी हमारी राजस्थानी है, क्योंकि गुजराती राजस्थानी से अलग हुई भाषा है, बहन है उसकी। स्वाभाविक बात है कि उनके अंदर आपको साम्यता दिखाई देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी करके वीरमदेव सोनग्रारी वाद को पूरी तरीके से गुजराती बता दी जाए। कई चीजें हैं, आपसे अनुरोध कि आप ये काम कीजिए इस बार, आपसे यदि पूछे वो कि मातृभाषा कौन सी है तो राजस्थानी बताई जाए, और वो नहीं पूछे तो भी बताया जाए कि कॉलम में हिंदी मत भर देना,
वरना जनगणना वाले मार्ट साहब भी आपसे कई बार पूछते ही नहीं, अपने आप ही कुछ कॉलम तो भर लेते हैं। इस बार उनको कहना इधर इधर राजस्थानी भरा जाए, बाकी का देखेंगे। और क्या है, नेपाली संथाली डोगरी बोडो को मान्यता मिल सकती है भारत के अंदर, तो हमने कौन सी मोरनी के भाटे मारे हैं जो हमें मान्यता ना दी जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और आज से कोई पूछे तो उसको ये अपनी निरंतरता भी बताना और अपनी ऐतिहासिकता भी बताना कि क्या चीजें हैं राजस्थानी के अंदर। एक ही